हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुमरियल ब्लॉग चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे होंगे? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है, बहुत घर से बाहर निकलना नहीं पड़ता है। और आप देख सकते हैं बस इतनी भरी हुई थी क्योंकि सालक सीजन चल रहा है, शादियों का सीजन, तो लोग यहाँ से वहाँ रिश्तेदारी में शादी में जा रहे हैं, तो बस बहुत ज़्यादा भरी हुई थी कि इतनी बड़ी मुश्किल में घुसते बना गेटी पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि तब जैसे तैसे बैठ गए हैं सीट पे। जब बस खड़ी हो जाती है बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, लेकिन बस चल रही है तो ठंडी तो नहीं लगती है, गर्मी लगने लग जाती है, लेकिन कुछ राहत नहीं रहती जब तक बस चलती रहती है, भीड़ रहती है रोड किनारे किनारे तो काफ़ी राहत रहती है। तो फ्रेंड्स, मैं गई थी, बहुत अर्जेंट काम था मेरा, इसीलिए फिर मैंने कहा वो तो निकलना ही पड़ेगा चाहे धूप हो या बरसात हो, जब ज़रूरी काम होता तो घर से निकलना ही पड़ता है। तो बस मैं बस में बैठ करके गई थी और इसके बाद फिर वहाँ से मैं आ गई हूँ और टेम्पो में बैठ के अपने घर निकलना था। तो बस मैं टेम्पो में बैठी तो वो CNG गैस भरा रहे हैं टेम्पो वाले भैया, तो उन्होंने कहा सब लोग नीचे उतर जाइए। जैसे ही हम नीचे उतरे पेट्रोल पम्प में, तो वहाँ पर इतनी तेज़ धूप थी, कोई पेड़ नहीं था, कोई कुछ नहीं था, छाया नहीं था। सभी लोग टेम्पो में जितने भी यात्री बैठे हुए थे सब बाहर धूप में खड़े हो गए, तो ऐसा लग रहा था कि चक्कर आ रहा है इतनी जोर से। फिर हम लोग उसे टीन सेट के नीचे खड़े हो गए, उनका जल्दी से गैस भर जाए और फिर इसके बाद हम चलते हैं टेम्पो में बैठ जाते हैं। टेम्पो में तो चारों तरफ से गर्म गर्म हवा ही लगती है, अब देख सकते हैं टेम्पो खड़ी हुई इसमें गैस भर रहे हैं, सभी लोग बाहर खड़े हुए हैं, उतर गए थे। जब गैस भरती है तो सबको नीचे उतार देते हैं, तो हम लोग सब नीचे खड़े हुए इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही गैस भर जाएगी बस वैसे बैठ के सब चल देंगे। तो बस उन्होंने गैस भरवा दी है और कह रहे बैठ जाइए, बस ये देख सकते हैं आप टेम्पो चलने लगी है। तो आप देखिए खेत में खूब सारे, तो सारे खेत कट चुके हैं, फसल भर के आ चुकी है, तो खाली पड़े हुए हैं इस रोड के आए हुए हैं, बाकी खेत तो पूरे खाली हो गए हैं, कुछ नहीं है, बरसात नहीं हरा हुआ से वही मैंने वीडियो दे दिया था, वीडियो खोल दिया था, उनका चलते देखते चलते हैं बातें करते जा रही थी। और बहुत ज़्यादा रोड चलता है क्योंकि बहुत ज़्यादा समय और जाम भी बहुत होता है, एक साइड से जाम लग जाता है, काफ़ी देर लग जाती है वहाँ पर, घंटे घंटे लगता है जाम में, धीरे धीरे चलते हैं। तो जाम खुला था तो बस जल्दी से टेम्पो जा रही थी, तो हमने कहा चलो जल्दी से चल देते हैं, बैठ गए टेम्पो में। तो मैंने कहा अंदर से भी सूट कर लेती हूँ, तो हम दो तीन लोग बैठे थे, वो बच्चे को लिए हुए कि लेडीज़ बैठी हुई थी और मैं बैठी हुई थी, तो वही उस पर मैं कैमरा ऑन कर लिया था, तो वो देख रही थी कि क्या है, तो मैंने कहा ब्लॉग बन रहा है। और इसके बाद फिर मैं आ रही हूँ घर, तो देखा बहन चली गई थी अपने मकान पे, उसका काम चल रहा था, उसके बच्चे यहाँ सवार कर रहे थे, ये देखिए बेटा अपना मोबाइल चला रहा है, मैं यहाँ से वहाँ टहल रही है और रात हो गई थी, लेट ही नहीं रहे थे, मैंने कहा चलो लेट जाओ, काफ़ी रात हो गई, वहाँ से थकी हारी आई तो मुझे बिल्कुल भी मन नहीं करता, एकदम धूल सी बालों में हो गई थी, बहुत ज़्यादा खुजली हो रही थी, तो मैंने कहा सुबह धुलूँगी, तो खोल लिए थे मैंने बाल, चोटी खोल ली थी, और चोटी खोलने के बाद बस मैं लेट गई थी, तो मैंने कहा बच्चों से लेट जाओ, लेकिन वो लेट ही नहीं रहे, मैंने कहा ना लेट हो दो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो ये सुबह का है, नेक्स्ट डे का है। तो सुबह अभी उठे हुए थे सब लोग, थक गए थे रात में बहुत ज़्यादा क्योंकि दिन भर का सफ़र हो जाता है और गर्मियों का सीजन है, तो बहुत दिक्कत हो जाती है फ्रेंड्स। तो बस आके सो गई थी, पता ही नहीं चला कब सुबह हुआ, सुबह उठी तो मैंने कहा चलो आप लोगों से बात कर लेती हूँ, और मैं जा रही हूँ ब्रश व्रश करके आ गई हूँ, तो मैंने थोड़ी देर में जाऊँगी किचन चाय बनाने के लिए, चाय सबके लिए बना लूँगी। और इसके बाद चाय वाय नहा चाय पी के नहाया धोया, और नहा धोने के बाद बस फिर मैं रेडी होकर के फिर निकल ली हूँ, ये देख सकते हैं आप कि मैं फिर दूसरी जगह जा रही हूँ। अभी तो बहुत ज़्यादा लू लग रही थी, फिर मैंने कहा स्टॉल बांध देती हूँ फेस पर, तो मैंने पूरा कवर कर लिया था फेस, तो बस जब चलने लगी थी तो फिर मैंने थोड़ा सा खोल दिया क्योंकि बस थोड़ी देर के लिए रुकी थी, जब वो टिकट कंडक्टर टिकट बनाते हैं तो रुका देते हैं बस को, तो मैंने फिर स्कूल लिया था। और ये बच्चे लाए हुए थे सब लोग, ये है गोलगप्पे और मोमोस वगैरह लाए थे क्योंकि बहुत दिन से खाया नहीं था, कुछ उल्टा सीधा, तो वो बोले कि कुछ मिला नहीं है, ला ये हो गई है रात, तब दोनों बच्चे लेट गए हैं, देख सकते हैं आप
सो नहीं रहे हैं, चुपचाप लेटे ही हैं। शांति से हमको आँख बंद करके लेट जाओ, नींद आ जाएगी। लेकिन वो लेट ही नहीं रहे थे, बार बार यहाँ वहाँ परेशान कर रहे थे, बार उठ रहे थे कहीं इधर कहीं। हमने कब सैतानेंगे, तो 10 बज चुके थे, बच्चे कल 11 बजे रात तक नहीं सोए, जागते ही रहे। थोड़ी देर लेट जाए फिर आँख खोल ले। रेडी हो गए और बैग टंग गया। फर्स्ट डे उनके बच्चे यहाँ घर पर आए हुए हैं, स्कूल नहीं गए, सिर्फ कल उनका एडमिशन हुआ था। आज जाने के लिए बहुत ज़्यादा उतावले हैं वो लोग, बैग टांग के चलने लगे। उनकी यूनिफॉर्म नहीं बनी हुई है तो जा रहे हैं बच्चे। देखिए बाहर आ गए हैं, बैग टांग के बोतल सब भर पानी, और अब देखिए जा रहे हैं। तो ये निकाली बहन ने स्कूटी और उसी के साथ बैठ करके जाएंगे ये लोग रोड तक छोड़ने जाए, क्योंकि रोड में बस आती है तो उनको बच्चों को बैठाल करके फिर आएगी। तो निकाली स्कूटी और जा रही है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखिए, अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। जो नए व्यूअर्स हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलो बच्चे हम बैठ गए हैं और जा रहे हैं, बाय कर रहे हैं, चल रहे हैं। ये देखिए चली गई है बहन ये। और ये जो भैंस हमारी भी आई थी तो उसकी जो पेसरी होते हैं वो आज बनी हुई थी घर पे, तो वही रख दी मैंने बना करके। इसमें दूध, गुड़ और मेवा सौंठ डाल के रख दी, धीमी आँच करके। तो बन चुकी है, तो ठंडाने के लिए मैंने भगवानों ऊपर रख दिया है। और सभी लोगों ने खाना वाना खा लिया, और उस खाना खाने के बाद फिर मैंने कहा लाओ बर्तन धुल देते हैं, क्योंकि आज बहन के घर में प्रोग्राम है, वहीं पर गृह प्रवेश उसका, तो वहीं पर जाना है। तो फिर फ्रेंड्स आप लोग वीडियो देखिए, नेक्स्ट वीडियो में आएगा मेरी बहन का गृह प्रवेश, उनका घर, तो मैं आप लोगों सबको शेयर कराऊँगी उनके घर से, घर आपका होम टूर कराऊंगी उनके घर का, और सब दिखाऊंगी। उनके सास वगैरह सब ससुराल से कई लोग आए हुए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, और पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, क्योंकि आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, और मेरे 10K सब्सक्राइबर जल्दी से हो जाएँ। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ज़रूर हो जाएंगे, जब आप लोगों ने यहाँ तक सहयोग किया है तो आगे भी करेंगे, और आपका सहयोग ऐसे ही मिलता रहेगा तो 10 सब्सक्राइबर हमारे एक दिन ज़रूर पूरे हो जाएंगे।